तो भाई देखो, अगर आलस की कोई तस्वीर होती तो वो ऐसी दिखती कुछ मेरे साथ। जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो होता है प्याज का पानी। जो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और यार अभी बजे हैं सुबह के 8:30 और आज वीक ऑफ है। और अभी बस मैं नहा के तैयार हुआ हूँ, अब जा रहा हूँ मैं नाश्ता करने के लिए। आज नाश्ते में क्या बनाया हुआ है? यार आज आपका ऑफ तो हम सोच रहे थे कि आज हम बाहर से कुछ मंगाते हैं। बाहर से क्या मंगाते हैं, कुछ सोचा भी तो होगा। हाँ मैंने सोचा है, आप ना एक बार, आपको याद है हमने वो मंगाए थे अमृतसरी कुलचे। और आपका क्या विचार है, आपने भी अमृतसरी कुलचे ही खाने हैं? हाँ बेटा वो ही मंगवा लो, सिंपल होते हैं ना, लेकिन उसमें फिर कोई तेल आपका नहीं वो तो होता। नहीं है ऑयल और नहीं शुगर नहीं वगैरह का तो उसमें कुछ तेल नहीं ही नहीं होता? होता बेटा, मुझे मक्खन लगा के मत देना, मुझे सिंपल दे तो देना। मैं थोड़ी दूंगा, वो तो जो बना के लाएगा वो ही लेके आएगा। नहीं वो अलग देते हैं। अरे नहीं वो ना उसके साथ वो भी देते हैं, बिना मक्खन के भी देते हैं वो लोग। तो आप मक्खन को उसमें चॉइस होती है कि आप मक्खन को बाद में लगा सकते हो, तो वो हाँ मंगा लो, सबसे बढ़िया है। तो जोमेटो है ना फोन में? हाँ जोमेटो हाँ तो है। दिखाओ। अगर अभी मेरे को लगता है मतलब 8:30-9 बजे तक जोमेटो पता नहीं डिलीवरी शुरू करता नहीं करता, बाकी एक बार चेक करके देखो। 1 hour later तो गाइज अभी मंगवाए हैं अमृतसरी कुलचे और मतलब जोमेटो से ऑर्डर करें। आप देख सकते हैं इसके साथ जो सबसे बढ़िया चीज़ है वो होता है प्याज का पानी, जो सबसे बढ़िया स्वाद लेके आता है। साथ में छोले और ये कुलचे कह लीजिए या तंदूरी रोटी होती है ये मोस्टली, जिसके अंदर आलू प्याज वगैरह को तंदूर पे बनाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले खा लेते हैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा, और खाने के बाद आता हूँ आपके पास। तो भाई देखो, अगर आलस की कोई तस्वीर होती तो वो ऐसी दिखती कुछ मैडम ने कुलचे खाए हैं, ठीक है। कुलचे खाने के बाद आधा मेरा भी पेल दिया पकड़ के, और उसके बाद रील चल रही है, रील ने बेड़ा गर्क कर दिया ना है। रील और देखते हो ना, ये कोई वीडियो ना डालते कोई ऐसी वाली, तो कहां मैं मेरी वीडियो रील नहीं दिखा देखने रहा, वाले हो। मैं जस्ट एक पहलू दिखा रहा हूँ, जिंदगी का पहलू नहीं है यार ये। रील मारो। भाई सच में बहुत ज़्यादा गर्मी, अराउंड 42-43 के आसपास टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी बैठा हूँ 1 बजे दोपहर के, मैंने कल एक विप्रो का स्मार्ट बल्ब मंगवाया था, तो कुरियर वाले का काफ़ी देर से कॉल आ रहा है, उसको एड्रेस बता दिया लेकिन अभी तक वो आया नहीं है। और जैसे ही आता है मैं आपको दिखाता हूँ। काफ़ी मतलब मैंने उसका ये बल्ब जो मैंने परचेज़ किया है वो काफ़ी रिव्यूज़ वगैरह देख के किया, और मतलब मैं काफ़ी टाइम से एक स्मार्ट बल्ब लेना चाहता था, क्योंकि कई बार ऐसा होता नहीं कि आपके घर में कोई छोटी मोटी गैदरिंग होती है, पार्टी होती है, तो थोड़ा सा टच देने के लिए पार्टी वाला काफ़ी अच्छा रहता है। तो अभी देखते हैं किस तरह का होता है या परचेज़ कैसी रहती है। तो जैसे ही आ जाता है वो कुरियर वाला, आपको दिखाते हैं अनबॉक्सिंग करके उसकी। 2 hours later क्या कहते हैं, बालकनी पे ही खड़ा हूँ मैं। हाँ मंदिर से ना राइट ले लेना। तो गाइस फाइनली आ चुका है मेरा कुरियर, जिसके चक्कर में मैं पूरे 1 घंटे से वेट कर रहा था। तो आपको जल्दी जल्दी इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ किस तरह का बल्ब है। तो गाइस ये वाला बल्ब है जिसकी मैं कह रहा था, ये स्मार्ट बल्ब है, और इसके लिए शायद कोई ऐप वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेगी। जो MRP है उसका 2099 है, लेकिन मेरे को सेल थी और उसमें सस्ता मिला थोड़ा सा। तो चलिए जल्दी से इसको पहले सेटअप करते हैं, फिर दिखाते हैं किस तरह का वर्क कर रहा है ये। तो ये जल्दी से इसको खोल के देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो ये शायद गाइड लग रही है इसकी, यूज़र गाइड और सेटिंग अप विप्रो स्मार्ट लाइट। इसके लिए हमें ये स्टेप्स दे रखे हैं, जल्दी जल्दी मैं इसके स्टेप्स कर लेता हूँ, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेता हूँ। और उसके बाद कुछ इस तरह का ये बल्ब है, और मतलब दिखने में तो नॉर्मल LED जैसा लग रहा है। और जल्दी से देखते हैं किस तरह का इसकी परफॉर्मेंस है या किस तरह का क्वालिटी देता है ये लाइट्स की। इधर लगा के देखते हैं कि किस तरह से इसके जो कलर्स हैं वो आते हैं। तो गाइज ये वाली जो ऐप है वो इसके लिए आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी विप्रो की, और जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सारी यूज़र मैनुअल पे इसमें दी गई थी। तो मैंने इसको अभी वो कर लिया, मैं इसको ऑन करके चालू करने की कोशिश करता हूँ। इसको इससे ना कनेक्ट करना पड़ेगा, तो मैंने ऑन तो किया भाई, लेकिन ऊपर से देखो अभी जल चुकी है हरे रंग की लाइट, और आप देख सकते हैं अभी इसने एक ग्रीन कलर की इसमें लाइट जली है। सच में मतलब अभी तक तो मज़ा आ रहा है, जब से जैसे ही ऑन करिए तो ग्रीन रंग की ऑन हुई है, और उसके बाद आप जैसे यहाँ क्लिक करोगे तो यहाँ पे मल्टी कलर आ रहे हैं। तो अब इसमें एक कर्सर सा दे रखा है, इसमें देखते हैं चेंज करके कि कलर्स चेंज होते हैं नहीं होते। तो अगर मैं इसको कर दूँ रेड, तो आप देख सकते हैं ऊपर की रेड कलर की ये लाइट हो चुकी है, और ये अलग अलग इस तरह से इसमें कलर को मैं ब्राइट वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ। तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और अगर इसके अंदर कहें तो कहते हैं कि ये म्यूज़िक के साथ भी ऑन हो जाएगी, तो अभी मैं म्यूजिक लगा के देखता हूँ कि म्यूजिक के साथ भी इस लाइट का जो कलर है वो चेंज होता है या नहीं होता है। तो गाइस अब आप देख सकते हो कि म्यूजिक जैसे जैसे बजेगा ये लाइट ऑटोमेटिकली जो एप्लीकेशन है इसमें म्यूजिक की टैब है उसके साथ ही अपने आप ही रंग बदल रही है। सच में बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। आपको मैं दिखाता हूँ कि म्यूजिक की बीट्स के साथ ये किस तरह से अपने आप ही चेंज हो रही है।
और ये सब कुछ मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह लो या स्मार्ट बल्ब कह लो वो है, तो काफी ज्यादा मैं हैप्पी हूँ इस परचेज के साथ। तो गाइज ये इसकी सबसे ज्यादा खास बात पता क्या है कि ये ऐप स्टोर में भी है, मतलब आईफोन की जो एप्स है वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा ऐप स्टोर में और गूगल प्ले तो है ही, और साथ ही साथ अगर आपके पास एलेक्सा है जो कि मैं वो भी लेने की सोच रहा हूँ, अभी मतलब डिसीजन लिया नहीं है कि मैं लूंगा नहीं लूंगा, एलेक्सा अगर जैसे आता तो मैं आपको दिखाऊंगा एलेक्सा के साथ ये कैसे काम करता है, तो आपके लिए कि ये एलेक्सा के साथ भी कनेक्ट हो जाता है और ये गूगल असिस्टेंट है उसके साथ भी कनेक्ट हो जाता है, जो कि मैंने करानी है वो मैं बाद में एक्सपेरिमेंट करता रहूंगा। लेकिन मैं सच बताऊं तो मैं बहुत ही ज्यादा मतलब इस परचेज के साथ हैप्पी हूं, और अब देखते हैं कोई भी अगला कोई इवेंट आता है कोई फंक्शन आता है तो उसमें हम इसको ट्राई करेंगे म्यूजिक चला के और बिल्कुल मजे करते हुए निकल जाएंगे। तो गाइस अब मैं थोड़ी देर बैठ के इसको पहले एक्सप्लोर करूंगा, एक्सप्लोर करने के बाद खाना खाता हूँ क्योंकि 3 बजे के आसपास का टाइम हो चुका है, और उसके बाद मेरे को थोड़ा सा मार्केट में काम है, कुछ सामान लेके आना है ग्रॉसरी वगैरह तो वो लेके आऊंगा, और उसके बाद इस व्लॉग को यहीं खत्म करते हैं। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, अगले व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।